अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेक्शन टू की। पहले हमने सेक्शन वन की बात की, अब हम सेक्शन टू की बात करते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फाइव, चैप्टर नंबर सिक्स। ये जो सेक्शन है ये आता होता है चैप्टर फोर फाइव सिक्स से। फोर वाला इंटीग्रेशन वाला है, फाइव वाला जो है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, और सिक्स वाला है प्लेन कर्व्स वन वाला। मैंने पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन वन को, अब सेक्शन टू को डिस्कस करते हैं। हमने जब पेपर स्कीम डिस्कस की थी तो उसमें हमने ये बताया था मैंने आपको कि फोर और फाइव कर लेंगे तो आपके दो सवाल यहाँ से हो जाएंगे, चार आएंगे आपने दो करने होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर फोर और फाइव में। तो चैप्टर फोर की बात करें तो ये है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपके दो सवाल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं चैप्टर 4.1 जो है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये बेसिक है। 4.2 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 है, 28 2015 में आ चुका है, इसके अलावा 36 क्वेश्चन है, ये ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर। आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आते हैं, इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, 12 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 और 14 है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लें, ये जो है वो आपका बाय पार्ट से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो चैप्टर 4.4 में ये देखें क्वेश्चन नंबर 19 है, ये दो दफ़ा आ चुका है आपको, टू टाइम्स ये रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को करना है, ये बस दो तीन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं असल में। इसमें आगे जाके इंपॉर्टेंट आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 31 2017 में ये आ चुकी है एग्जाम्पल, ये भी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 155 पे, पेज नंबर 155 पे ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 35, तो ये भी आपने करनी इंपॉर्टेंट है। इस ये जो एक्सरसाइज है इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 20 17 19 23 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके अलावा ये जो चार क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25, 27, 28 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से करना है। आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर है 39 पेज नंबर 159 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 40 ये पास पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुकी है, 40 है पेज नंबर 160 पे, ये आपने ध्यान से करके जानी है, इसके दो पार्ट हैं ध्यान से करिएगा। 4.6 में से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और वो क्वेश्चन कौन से करने हैं आपने ये देखें, 13 से लेकर 26 यानी कि 13 से आपने करने हैं, 13 ये बनते हैं, 26 ये बनते हैं तकरीबन, कोई 12-13 सवाल बनते हैं, तो ये आपने करके जाने हैं, ये इन्हीं में से एक आपको पेपर के अंदर आएगा। ये था हमारा फोर्थ चैप्टर, ऑफ फाइव की बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो 5.1 में अभी तक एक ही क्वेश्चन आ चुका है, ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आपको पता है 8 और 9 नंबर का सवाल होता है, तो इसमें से ज़्यादा नहीं आता, छोटे छोटे सवाल हैं ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये भी आ चुके हैं पेपर में, थ्योरम नंबर 5.9 2012 के पेपर में आ चुका है ये, एग्जाम्पल नंबर 9 2012 में आ चुकी है ये, 179 पेज पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें 2022 में अभी जो पेपर हुआ है 2022 का, पिछले साल का, उसमें ये आ चुका है, तो ये आपने ये करना है सवाल, ये एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 पिछले साल ये आई है, इस दफ़ा ये भी आ सकती है एग्जाम्पल नंबर 11, तो ये भी आपने करके जानी है 5.2 से पहले। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, वो ये है 5.2, इसमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा पेपर में, इसमें प्रॉपर्टीज लगती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 है, 8 है, 11 है, 9 है, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 24 और 26। ये जो क्वेश्चन है सारे मैंने आपको बताया है कि इस एक्सरसाइज में आएगा आपको, और इसको आपने ध्यान से करके जाना है, एक क्वेश्चन आपको लाजमी इसमें से आएगा। आगे बात करें तो एग्जांपल नंबर 17 है पेज नंबर 187 के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ चुकी है। 5.3 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 5.4 से पहले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 21, ये भी आपने करके जानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.4 की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं रिडक्शन फार्मूला वाले, ज़्यादा क्वेश्चन ये भी 19 इंपॉर्टेंट है, 18 भी, 16 भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं 23, 24, 25, 26 रिडक्शन फार्मूला वाले मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रिडक्शन फार्मूला वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आगे आती है री सिम्पसन रूल और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये आप छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को आप क्या कर दें, स्किप कर दें। नहीं जी, ये हमारा था फाइव चैप्टर, अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की, चैप्टर नंबर सिक्स। इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर सिक्स है मेरे पास प्लेन कर्व वन, प्लेन कर्व वन सिक्स चैप्टर, इसमें देखते हैं कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें से यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखिए एनालाइज द ग्राफ, इसके जो ग्राफ बनाने हैं ना आपने 16, 17, 18, 19, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ चुके हैं पास्ट में, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आपने ग्राफ डिज़ाइन करने होते हैं, बनाने होते हैं। अगर हम टू की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है, 2017 में आ गई है 239 पेज पे। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आगे 6.2 की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 21, 18 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, 18 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 21 ये आपने कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 6.3 में आपसे कहूँगा ये आप छोड़ सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, 18, अब जो स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी पेपर में आएगा, 255 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 18 है। 6.4 ये भी इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 11 ये तीन क्वेश्चन पास में आ चुके हैं आपको। 6.5 की बात करें तो अभी तक इसमें से एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपने ग्राफ बनाना होता है, लीमा कॉन वाला आया हुआ है, लीमा कॉन का आ सकता है, लैमनी स्केट का आ सकता है, ये दो दफ़ा आ गया 2015-16 में। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम्पल नंबर 27 2014 में आई है, एग्ज़ाम्पल 28 ये आई है आपको पास में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.6 और 7 ये दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, 6.6 और 7 से आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इन दोनों को आपने ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो ध्यान से कर लें, 16, 17, 18, 19, 20 ये चार पांच क्वेश्चन आपने करने हैं इसमें से। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल नंबर 33 करनी है पेज नंबर 273 पर। 6.7 ये इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा, या इसमें से या उसमें से, पाँच सवाल उसके बताएँ, छः सात इसके हैं, एक ये वाला 7 ये देखें ज़रा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे ही पास्ट में रिपीट हो चुके हैं, आपने इन सवालों को छोड़ना नहीं है, ध्यान से कर लेना है। तो ये था हमारा सेक्शन टू, अब इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन टू डिस्कस किया, अब अगली वीडियो के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इसकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो सेक्शन थ्री हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में।